आज की ये वीडियो रीजनिंग से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को इतना लिखा जाता है तो टाइगर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज की वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने की बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मंकी MONKEY, मंकी को क्या लिखा जाता है, XDJMNL इतना लिखा जाता है, तो टाइगर को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग लिखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। इनका 13 होगा, वो का 15 होगा, इनका 14 होगा, K का 12 होगा, सॉरी K का 11 होगा, J के बाद K आता है ना, E 5 होगा और Y जो है 25 होगा, X क्या होगा 24, B 4 होगा, J क्या होगा J 10 होगा, N क्या होगा 13, N क्या होगा 14, N क्या होगा 12, ठीक। अब क्या करते हैं, अगर हम M को X से मिलाते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 13 है, यहाँ 24 है, ठीक। अगर हम Y को 25 को अगर 24 से मिलाते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट से अगर हम इसको मिलाते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ 13 है, यहाँ 24, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम लास्ट से इसको मिलाते हैं, पहले नंबर को पीछे से पहले नंबर को मिला रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, 25 है यहाँ पर, यहाँ पर 24 है, तो क्या हो रहा है, इधर घट रहा है ना, तो 25 में अगर हम एक माइनस कर देंगे 24 आ जाएगा। फिर ई को हम डी से मिलाते हैं, 5 है यहाँ, 4 है, 5 में से एक घटाएंगे 4 आ जाएगा। के है यहाँ पर जे है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 है, तो 11 में से एक घटाएंगे 10 आ जाएगा। यहाँ एन है, एम है, यहाँ एन 14 में से एक घटाएंगे 13 आ जाएगा। ओ है, ओ में से जो है मतलब 15 में से एक घटाएंगे 14 आ जाएगा। एम है 13 और एल है 12, मतलब एक घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक। इसी भाषा में हम टाइगर को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, टी का मतलब 20 नंबर, आई का 9, जी का 7, ई का 5 और आर का 18। अब नीचे हम नहीं लिखेंगे, ठीक, अब इधर करेंगे, क्योंकि पहले नंबर को नहीं मिलाया गया, लास्ट से पहले को मिलाया गया है, तो लास्ट से हम पहला नंबर को मिला रहे हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, पहले माइनस एक किया गया है, 18 में से एक घटाएंगे 17 आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद जो है दूसरे नंबर में फिर माइनस एक करेंगे तो 5 में से एक घटाओगे 4 आएगा, फिर जी है, जी में एक घटाओगे 7 में से तो 6 आ जाएगा, फिर 9 में से एक घटाओगे तो 8 आ जाएगा, फिर इसके बाद 20 है यहाँ पर, 20 में से एक घटाओगे 19 आ जाएगा। यहाँ पर आप लेटर लिख लो, 17 का मतलब क्यू, 4 का मतलब बी, 6 का मतलब एफ, 8 का मतलब एच और 19 का मतलब एस, ठीक ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्यू डी एफ एच एस, सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।